बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर इस्तीफा देंगे आदिवासी मंत्री नागर सिंह चौहान। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अनदेखी के गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं। बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए हैं उन्होंने, और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त ये है। देखिए, आरोप ये लगाए गए हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, जो मूल कार्यकर्ता हैं, उनकी अनदेखी हो रही है, और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है, और अब वो जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं। आदिवासी मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, और उन्हीं से रिलेटेड ये इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां अनदेखी के आरोपों को देखते हुए ये फैसला उनकी तरफ से लिया गया है, और अब इस्तीफा देने की बात उन्होंने कह दी है। हालांकि अब जाहिर सी बात है कि पार्टी के बड़े नेताओं से भी बातचीत होगी, और उसी के बाद जो नाराजगी है कहीं ना कहीं शायद उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो आरोप वो लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इनमें, ये जांच पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल अपडेट यही है कि बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो जल्द ही इस्तीफा सौंप देंगे। आदिवासी मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, जिन्होंने ये फैसला लिया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। अखिलेश इस वक्त जी मीडिया, माफ कीजिए, अखिलेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश का सीधा रुख कर लेते हैं। अखिलेश, बड़ी खबर आ रही है आदिवासी मंत्री नागर सिंह चौहान को लेकर कि जल्दी इस्तीफा सौंपने वाले हैं, वो काफी नाराज हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उनकी तरफ से ये बयान आया, उसके बाद पार्टी हरकत में आई, उनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं, और साफ तौर पर नागर सिंह चौहान जो है वो ना केवल खुद मंत्री है बल्कि उनकी पत्नी जो है वो सांसद का चुनाव जीती है, और बहुत मजबूती से चुनाव लड़के वो जीत के आए। उसके बाद जिस तरह से रावत का एक तरह से बीजेपी में एंट्री हुई और उनको वन मंत्री का पद दे दिया गया नागर सिंह चौहान से छीन के, इसको लेकर उनकी आपत्ति है कि कल के कांग्रेसी को आप पुराने जो एक तरह से कार्यकर्ता हैं, आदिवासी नेता हैं, उसकी अनदेखी करके नए बंदे को, वो भी कांग्रेस से जो आया, उसको पद दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो मंत्रालय मुझे दिया जा रहा है उससे मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, यानी कि अनुसूचित जाति मंत्रालय जो उनको दिया गया है, उनके इलाके में उतनी उस कास्ट के लोग नहीं है, आदिवासी वो खुद है, इसीलिए उन्होंने नाराजगी जताई है। और उन्होंने कहा है कि मैं विधायक रहकर भी उतनी सेवा कर सकता हूं जनता की, मंत्री रहने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन उनके इस बयान के बाद एक तरह से मीडिया में उनकी जब ये बात सामने आई, उसके बाद से पार्टी उनको मनाने में जुटी है, और जिला अध्यक्ष से हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि वो मान जाएंगे, उनको ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन अभी तक नागर सिंह चौहान ने अपने बयान को वापस नहीं लिया है। तो क्या आपकी अभी तक कोई बातचीत हो पाई है नागर सिंह चौहान से, उनका क्या कहना है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि मनाने की कोशिश उन्हें चल रही है, लेकिन उनका अभी इसको लेकर क्या वक्तव्य सामने आ रहा है, वो खुद क्या कह रहे हैं, क्योंकि आरोप तो वो यही लगा रहे हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी हो रही है, और इसीलिए उन्हें ये मजबूरन फैसला लेना पड़ रहा है, भले ही वो आगे पार्टी के साथ रहेंगे लेकिन ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं अभी फिलहाल। और देखिए, वो साफ तौर पर अभी जब हमने बात की फोन पर, हमसे बात की, सामने आकर बाइट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब फोन पर बात की तो ये कह रहे हैं कि जो मैंने सवेरे कहा मैं उस बात पर कायम हूं, और ये भी वो मान रहे हैं कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनसे बात कर रहा है। एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न उन्होंने इसको बना लिया है, क्योंकि उनके मंत्रालय लेकर ही एक नए मंत्री को मंत्रालय दिए गए हैं। पहले बात ये चल रही थी कि हो सकता है कि सीएम के मंत्रालय में से कुछ मंत्रालय उनको दिए जाएंगे, लेकिन नागर सिंह चौहान के मंत्रालय कम करना, उनको नागवार गुजरा। शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।